टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग, खोई हुई अंगूठी या रिंग का रहस्य। आइए देख लेते हैं वार्म अप। वार्म अप में क्या दिया हुआ है। बिफोर रीडिंग द चैप्टर लेट्स लुक वार्म अप। डिस्कस इन योर क्लास व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट मिस्ट्रीज। आपको अपनी क्लास में ये डिस्कस करना है, जब भी आप रहस्य के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में क्या आता है। हाउ डज अ मिस्ट्री राइटर मेक रीडर्स क्यूरियस। एक मिस्ट्री राइटर, रहस्य के बारे में लिखने वाला मिस्ट्री राइटर कहलाता है, वो कैसे रहस्य के बारे में पढ़ने वाले को क्यूरियस बनाता है, उत्सुक बनाता है। कैन यू नेम सम फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव्स। क्या आप कुछ प्रसिद्ध फिक्शनल डिटेक्टिव्स का नाम बता सकते हैं। आइए अब चैप्टर रीड करते हैं। आई एम एन ऑब्जर्वेंट मैन। मैं एक ऑब्जर्वेंट आदमी हूँ। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है वो आदमी जो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से नोटिस करता है, और मैं एक वैसा ही आदमी हूँ। आई लुक एट पीपल नोटिस थिंग्स अबाउट देम एंड वंडर हु दे आर। आई वॉच व्हाट दे आर डूइंग एंड वंडर व्हाई दे आर डूइंग इट। मैं लोगों को देखता हूँ, उनकी चीज़ों के बारे में ध्यान देता हूँ, गौर करता हूँ और देखता हूँ कि वे कौन हैं। मैं ये देखता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं और ये भी देखता हूँ कि वे क्यों कर रहे हैं। आई वर्क एट रेग्नियर्स एन एंटीक ज्वेलरी शॉप। मैं रेग्नियर की एक एंटीक ज्वेलरी की शॉप पर काम करता हूँ। एंटीक ज्वेलरी का मतलब होता है ऐसे गहने जो बहुत पहले समय के होते हैं और बहुत कीमती होते हैं। ऐसे ही एक एंटीक ज्वेलरी की शॉप में मैं काम करता हूँ। द शॉप इज क्वाइट स्मॉल। इट हैज़ वन लॉन्ग काउंटर वेयर आई शो एंड सेल थिंग्स। शॉप बहुत छोटी सी है, इसमें एक लंबा सा काउंटर है जहाँ मैं चीज़ों को दिखाता हूँ और बेचता हूँ। मिस्टर रेग्नियर हैज़ हिज ऑफिस इन अ लिटिल रूम बिहाइंड द शॉप। देयर आर ओनली टू असिस्टेंट्स, मिस सस्किंड एंड माई सेल्फ। इन द मॉर्निंग आई पुट सम पीसेस ऑफ ज्वेलरी इन द विंडो एंड आई टेक देम आउट एट नाइट। मिस्टर रेग्नियर का ऑफिस शॉप के पीछे एक छोटे से रूम में है। यहाँ केवल दो ही सहयोगी या कर्मचारी हैं, एक मिस सस्किंड और दूसरा मैं खुद। सुबह मैं कुछ ज्वेलरी के पीसेस खिड़की या विंडो पर रखता हूँ और रात में वापस वहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। वन मॉर्निंग आई नोटिस्ड अ गर्ल लुकिंग इन टू द विंडो ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप अपोजिट रेग्नियर्स। देयर वॉज नथिंग इन द विंडो एक्सेप्ट टू अर्न्स। एक सुबह मैंने नोटिस किया कि एक लड़की अंडरटेकर की शॉप की विंडो में कुछ देख रही है। यह शॉप रेग्नियर की शॉप के सामने ही है, हालांकि विंडो में दो अर्न्स के अलावा कुछ भी नहीं था। अंडरटेकर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका काम डेड बॉडी को दफनाने का होता है और उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना होता है। यहाँ पर अंश का मतलब है ऐसा सुंदर सा कंटेनर जो कि क्ले या मेटल से बना होता है और जिसमें मुख्यतः डेड पर्सन की राख अस्थियाँ रखी जाती हैं। सी वॉज वियरिंग ए लॉन्ग येलो कोट विथ ब्लैक स्क्वायर्स ऑन इट। सी हैड लॉन्ग येलो हेयर, नो हैट एंड शूज विथ लो हील्स। उसने एक पीले रंग का लंबा कोट जिस पर ब्लैक स्क्वायर बने हुए हैं पहना हुआ था। उसके पीले लंबे बाल थे, कोई हैट नहीं थी और उसके शूज भी नीचे हील्स के थे, लो हील्स, कम हाइट के। आई वॉच्ड हर फॉर सम टाइम then a man came into Regnier's. His clothes were quite except for a very bright necktie. He was about 35. He was chewing gum. मैंने उस लड़की को कुछ समय तक देखा, तभी एक आदमी रेग्नियर की शॉप के अंदर आया। उसके कपड़े ठीक ठाक ही थे, सिर्फ एक
बहुत चमकीली नेक टाई को छोड़कर जो उसने पहनी हुई थी। वह लगभग 35 वर्ष का था और उसने च्युइंगम चबाया हुआ था, च्युइंगम चबा रहा था वो। He asked to see some rings. I brought out 3 trays of rings. He picked up 2 or 3 rings and asked the price. I noticed that he was left-handed. उसने कुछ रिंग्स दिखाने के लिए कहा। मैंने रिंग्स की 3 ट्रे बाहर निकाली। वह 2 या 3 रिंग्स उठाता है और उनके प्राइस के बारे में पूछता है। मैंने नोटिस किया कि वह लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड उन्हें कहते हैं जो अपना ज़्यादातर काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। देयर वॉज वन वेरी ब्यूटिफुल रिंग विद डायमंड्स एंड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर। द मैन सीम टू थिंक द प्राइस वॉज टू हाई। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रिंग होती है जिस पर डायमंड और रूबी सेट होते हैं फ्लावर शेप में। इस रिंग की कीमत बहुत ज़्यादा थी, ऐसा वह आदमी सोचता हुआ दिख रहा था। देन ही सॉ ए 4th ट्रे। इट वॉज इन द सेफ इन विच ऑल द ज्वेलरी इज लॉक्ड अप एट नाइट। आई टर्न्ड टू गेट इट आउट बट बिफोर आई पुट इट ऑन द काउंटर आई नोटिस दैट द डायमंड एंड रूबी फ्लावर रिंग वॉज गॉन। तब उसने 4th ट्रे देखी। यह ट्रे सेफ में थी जहाँ पर सभी ज्वेलरी को रात में लॉक करके रखा जाता था। मैंने उस ट्रे को बाहर निकालने के लिए उधर टर्न होता हूँ, लेकिन इससे पहले कि उस ट्रे को मैं कस्टमर को दिखाऊँ काउंटर पर रखूँ, मैंने नोटिस किया कि वह डायमंड और रूबी फ्लावर वाले रिंग वहाँ से जा चुकी थी। वहाँ पर नहीं थी वो रिंग। I put down the tray and made a sign to Miss Susskind. She came and stood beside me. I said, "So have you decided on the flower ring, sir? If you give it to me, I will find a box for it." मैंने वह ट्रे नीचे रख दी और मिस सस्किंड को अपनी तरफ इशारा करके बुलाया। वह आई और मेरे साथ में बगल से खड़ी हो गए। तब मैंने कहा, तो सर आपने ये फ्लावर रिंग को डिसाइड कर लिया है, फाइनल कर लिया है? अगर आप मुझे यह रिंग दे दें तो मैं इसको रखने के लिए बॉक्स देख पाऊंगा। द मैन सेड, आई हैवन्ट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग। आई आस्क्ड मिस सस्किंड टू फेच मिस्टर रैग्नियर। तब वह आदमी कहता है कि उसने किसी भी रिंग को डिसाइड नहीं किया लेने के लिए। मैं मिस सस्किन को कहता हूँ कि मिस्टर रेजनियर को लेकर आए। आई केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर द रिंग। सो डिड द मैन। देन मिस सस्किन एंड मिस्टर रेजनियर केम एंड सर्च्ड। देन मिस सस्किन सेड, आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्न अप्स। मैं काउंटर के पीछे से बाहर आता हूँ और उस रिंग को ढूंढना शुरू करता हूँ। उस आदमी ने भी वही किया। उसके बाद मिस सस्किंड और मिस्टर रैग्नियर आए और उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। तब मिस सस्किंड कहती हैं, उस आदमी से कहती हैं कि उसे अपने ट्राउज़र के निचले हिस्से जो कि फोल्डेड है, मुड़ा हुआ है, वहाँ देखना चाहिए। द मैन ग्लेयर्ड एट हर। His face had gone very red and he had stopped chewing. But he bent down and felt around his turnips. He found nothing. Then he laughed. I suppose you think I have stolen it? वह आदमी मिस सस्किन को गुस्से से देखता है। उस आदमी का चेहरा गुस्से में बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और वह च्युइंगम चबाना बंद कर चुका होता है, लेकिन वह नीचे झुकता है और अपने ट्राउजर के निचले हिस्से जो कि मुड़ा हुआ होता है उसमें ढूंढना शुरू करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तब वह हंसता है और कहता है कि आप लोगों ने को क्या लगता है कि मैंने वह रिंग चोरी कर ली है? मिस्टर रेग्नियर सेड, ओ नो सर, आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, सो आई मस्ट मेक श्योर दैट द रिंग हैजंट गॉट इन टू योर क्लॉथिंग। मिस्टर रेग्नियर तब कहते हैं कि अरे नहीं सर,
मुझे रिपोर्ट बनानी है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इसलिए मुझे पूरी तरह श्योर होना चाहिए कि कहीं रिंग आपके कपड़ों में तो नहीं गिर गई। द मैन वेंट इन टू मिस्टर रेग्नियर्स रूम एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स एंड इवन हिज शूज, बट द रिंग वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वह आदमी मिस्टर रेग्नियर के रूम में जाता है और अपने सभी कपड़े और यहाँ तक कि शूज भी उतारता है, लेकिन वह अंगूठी कहीं नहीं मिलती। वाइल दिस वॉज गोइंग ऑन, मिस सस्किंड एंड आई वेंट ऑन लुकिंग फॉर द रिंग। वाइल वी वी आर सर्चिंग, समवन एल्स केम इन। इट वॉज द गर्ल आई हैड सीन अर्लियर लुकिंग इन टू द अंडरटेकर्स विंडो। जब यह सब चल रहा था, मिस सस्किंड और मैं रिंग ढूंढने चले गए। जब हम रिंग ढूंढ रहे थे तो कोई दूसरा शॉप के अंदर आया। वह वही लड़की थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले अंडरटेकर की विंडो को देखते हुए देखा था। When I saw her closer, I noticed several things. She was a gentle woman, but poor. I thought she hasn't come to buy anything, but perhaps to sell. जब मैंने उसे नज़दीक से देखा, मैंने उसकी बहुत सारी बातें नोटिस की। यह एक सभ्य परंतु गरीब महिला थी। मैंने सोचा वह यहाँ कुछ खरीदने नहीं, लेकिन शायद कुछ बेचने आई। With her left hand, she took out a little paper packet from her bag and put it on the counter. It contained a brooch of very little value. Would you please mend this for me? She asked. वह महिला अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए अपने बैग से छोटा सा पेपर का पैकेट बाहर निकालती है और उस पैकेट को काउंटर पर रख देती है। उस पैकेट में बहुत ही कम कीमत का एक ब्रूच होता है। ब्रूच एक प्रकार का डेकोरेटिव पिन होता है जिसे महिलाएं अपने कपड़ों पर लगाती हैं। वह महिला पूछती है, क्या इसे आप मेरे लिए कृपया ठीक कर देंगे? आई सेड, आई एम सॉरी, वी डोंट डू रिपेयर्स। मैंने कहा, माफ़ करिएगा, हम रिपेयरिंग का काम नहीं करते। शी सेड, थैंक यू। शी वेटेड ए मोमेंट एंड देन हर बैग टच द पेपर सो दैट इट फेल ऑफ ऑन माई साइड ऑफ द काउंटर। इट मे हैव बीन एन एक्सीडेंट बट इट वॉज वेरी क्लेवरली डन। महिला जवाब में थैंक यू कहती है। वह कुछ देर रुकती है और उसके बाद उसका बैग उस पेपर पैकेट से इस तरह से टच हो जाता है कि वह पैकेट काउंटर के मेरी तरफ गिर जाता है। ऐसा दुर्घटनावश हो सकता है, लेकिन यह जानबूझकर चालाकी से किया गया था। I bent down to pick it up. Then suddenly everything became clear to me. I saw the answer to the mystery of the missing ring. मैं उस पेपर पैकेट को उठाने के लिए नीचे झुका, तभी सभी चीज़ें मुझे साफ साफ समझ में आ गई। मुझे मिसिंग रिंग के रहस्य का जवाब मिल गया था, जवाब दिख रहा था। I handed the brooch back to her. She put it in her bag. But as she turned to go, I said, "One moment, please." मैंने महिला के उस ब्रूच को उसे दिया और महिला ने उसे अपने बैग में रख लिया। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए घूमती है, टर्न होती है, मैंने कहा, कृपया वन मोमेंट, थोड़ी देर के लिए रुकिए। सी एक्टेड एज इफ सी हैड नॉट हर्ड मी। आई सेड, मैडम, इफ यू डोंट स्टॉप आई विल प्रेस द अलार्म। उसने इस तरह से बर्ताव किया कि जैसे उसने मुझे सुना ही ना हो। मैंने कहा कि मैडम, अगर आप नहीं रुकती तो मैं अलार्म प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर अलार्म का मतलब क्या होता है? वार्निंग बेल, जिसे खतरा होने पर प्रेस किया जाता है। शी स्टॉप्ड। आई सेड, वी डोंट वॉन्ट एनी अनप्लीजेंटनेस, सो प्लीज हैंड ओवर द रिंग दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट। वह रुक जाती है। मैंने कहा, हम बिल्कुल भी अप्रसन्नता वाली स्थिति में नहीं आना चाहते, उस माहौल में नहीं आना चाहते, तो कृपया आपके पास कोट की लेफ्ट पैकेट में जो रिंग है वो मुझे सौंप दीजिए। द गर्ल टर्न पेल, सी गेव मी द रिंग एंड रैन आउट ऑफ द शॉप। यह सुनते ही उसका चेहरा मुरझा जाता है, डर के मारे चेहरा पीला पड़ जाता है। वह मुझे रिंग देती है और शॉप से बाहर भाग जाती है।
Just then, Mr. Ragnar came out of his office with the man. I opened my hand and showed them the ring. The man went out of shop like a shot from a gun. उसी समय मिस्टर रैग्नियर उस आदमी के साथ अपने ऑफिस से बाहर आए. मैंने अपना हाथ खोला और उन्हें रिंग दिखाई. तभी वो आदमी दुकान से उसी तरह बहुत जल्दी से चला जाता है जैसे किसी गन से कोई शॉट निकलता है, क्योंकि वह जान गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है. बट हाउ डिड यू डू इट, मिस्टर रैग्नियर एक्सप्लेन्ड. मिस्टर रैग्नियर एक्सक्लेम्ड, लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया? मिस्टर रैग्नियर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा. आई नोटिस्ड दैट द मैन वॉज वेयरिंग ए वेरी ब्राइट नेकटाई. आई थॉट He might prefer something more modern than what we sell. So I wondered why he had come to Ragnar's. Then there was this girl who was looking into the undertaker's window. मैंने गौर किया कि उस आदमी ने बहुत ही चमकीली नेकटाई पहनी हुई थी. मैंने सोचा जो हम बेचते हैं उससे ज़्यादा ही मॉडर्न चीज यह प्रेफर करेगा. इसलिए मैं आश्चर्यचकित था कि यह रैग्नियर की शॉप में क्यों आया. तब वहां पर एक लड़की थी जो अंडरटेकर की खिड़की में कुछ देख रही थी. ओह, सेड मिस्टर रैग्नियर, दैट्स स्ट्रेंज. तभी मिस्टर रैग्नियर कहते हैं, ओह यह तो अजीब बात है. सी वॉज वेटिंग, आई सेड, सी ब्रॉट इन ए चीप थिंग फॉर रिपेयर. She must have known that Ragnar's does not do cheap repairs. वह इंतजार कर रही थी, मैंने कहा. वह एक सस्ती सी चीज रिपेयर कराने आई. उसे पता होना चाहिए थे कि रैग्नियर सस्ती चीज रिपेयर नहीं करते. Of course not. वाकई नहीं करते हैं. She came in, took out a packet from her bag with her left hand. Even though she was not left-handed, she put her left hand just where the man who was left-handed had put his hand. And after I had taken the tray of rings out of the safe, just before I noticed that the flower ring was missing. वह अंदर आई और उसने अपने लेफ्ट हैंड से अपने बैग से पैकेट बाहर निकाला. हालांकि वह लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, फिर भी उसने लेफ्ट हैंड का यूज किया. उसने अपना बाएं हाथ वहीं रखा जहां पर उस आदमी ने, जो कि लेफ्ट हैंडेड था, और मेरे द्वारा सेब से रिंग की ट्रे निकालने के बाद वहां रखता है, ठीक पहले जब मैंने नोटिस किया कि फ्लावर रिंग मिसिंग थी. बट व्हाट हैड ही डन विथ इट, आस्क्ड मिस्टर रैग्नियर. लेकिन उसने इसके साथ ऐसा कैसे किया, मिस्टर रैग्नियर ने पूछा. There was one more thing which I remembered. It came to me just as I was picking up the girl's paper. The man had stopped chewing gum when we were all searching for the ring. You can't swallow chewing gum. You can't drop it on the floor. There was no dustbin. He had not moved from where he was standing. So he must have put it somewhere within reach. There was nowhere he could have put it except under the edge of the counter. That's where I looked for the chewing gum. Just as the girl was turning to go out of the shop, look, there is a mark on the gum where the ring was pressed into it. एक और चीज थी जो मुझे याद आई. वह तब याद आई जब मैं उस लड़की का पेपर उठा रहा था. वह बात यह थी कि उस आदमी ने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया था जब हम सभी रिंग ढूंढ रहे थे. आप च्युइंगम को निगल नहीं सकते हैं, आप उसे नीचे फर्श पर ड्रॉप भी नहीं कर सकते हैं. वहाँ पर कोई वेस्टबिन भी नहीं था कि वहाँ पर आप फेंकते, और वह वहाँ से कहीं गया भी नहीं था जहाँ पर वह खड़ा था. इसलिए उसने उस जगह पर च्युइंगम को रखा होगा जहाँ उसकी जहाँ तक वह पहुँच सकता होगा, जहाँ उसकी पहुँच रही होगी. वहाँ पर कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो रख सके सिवाय काउंटर के किनारे के नीचे. जैसे ही लड़की शॉप से बाहर जाने के लिए घूमती है, मैंने काउंटर के नीचे की वह जगह च्युइंगम के लिए देखी. देखिए उस च्युइंगम पर एक मार्क बना हुआ है जहाँ पर रिंग को उसके अंदर प्रेस किया गया था.
दबाया गया था। तो डियर लिसनर्स, आपको भी पता चल गया होगा, रिंग को उस चुंबक, उस च्युइंगम में प्रेस करके चिपका दिया गया था, जिससे उसका मार्क, रिंग का मार्क उस च्युइंगम में बन जाता है। यह निकोलस बेंटले का क्रिएशन था। निकोलस बेंटले एक ब्रिटिश ऑथर और इलस्ट्रेटर थे। वे अपनी व्यंगात्मक कार्टून ड्राइंग की किताबों और मैगजीन के लिए जाने जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी।